أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بالبلد توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ محمد سے ایک آیت تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں سورہ محمد ترتیب نزول میں 95 نمبر پہ نازل ہوئی ہے سمجھ میں آ گئی بات ہاں 9 اور 5 14 اچھا ایک اور چیز پر بھی غور ضروری ہے بتایا تھا کل بھی 86 صورتیں شاد باش مکے میں اتری اور اس کا نمبر ہے 95 تو مدینے میں یہ کون سے نمبر پہ اتری شاد باش 9 نمبر پہ صورت بابا کی عدد بیٹی کا ہاں اور ترتیب جمع میں جس طرح قرآن جمع ہوا ہے تو 47 نمبر ہے اس کا 7 اور 4 11 اور ہوا کی عدد بھی 11 اور مجھے نہیں پتا کہ پچھلے محلے والے کہاں الگ پھر رہے ہیں ہم سے اور جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس آیت کا نمبر بھی 11 ہے سر اٹھانا نہیں میں پہلے اس کا شان نزول نہ بیان کر دوں انتخاب جنگ بدر میں کفار کے لشکر سے آواز ابھری تھی کہ لنا عزا ولا عزا لکم ایک قریش کے کفار قریش کے چند مشہور بت تھے لات منات عزا ہوبل منت مان کے آئے تھے ہوبل اور عزا کی کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو شکست دی یہ چڑھاوے چڑھائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سونے کے خول بنا دیں گے تو عزا کا بت بھی ساتھ تھا جنگل جنگ میں تو آواز یہ دی لنا عزا ولا عزا لکم ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں رسول نے کہا تم سب مل کے اونچی آواز میں کہو لنا مولا ولا مولا لکم اللہ اکبر سمجھ آ رہی ہے ادھر پچھلے محلے والوں لنا لنا مولا ولا مولا لکم تم یہ کہو ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں تو اسی کے جواب میں یہ آیت اتری ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ فرمایا یقیناً یہی بات ہے اللہ مومنین کا مولا ہے جو ہیں اللہ مومنین کا مولا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کا کوئی مولا نہیں یار جنگل میں تو خطاب نہیں ہے میرا ہیں فرمایا مومن کا مولا ہوتا ہے کافر کا مولا نہیں ہوتا العظمت للہ اب پیر بہادر سلطان یہ بات اگر میرے سامعین نے سمجھ لی ہے تو ودیر ایک اور آیت پڑھتا ہوں خضر خان پڑھوں سورہ دخان میں اللہ کہہ رہا ہے کون سی سورت دخان سر اٹھانا یوم لا یغنی مولا ام مولا
शयम वला हुम युनसरून इल्ला मर रहम अल्लाह। ये मैंने रात बताया था ना कि मालिक को भी अरबी में मौला कहते हैं और नौकर को भी मौला कहते हैं। तो यही मजमून है इस आयत में, यौम ला युगनी मौला अन मौला शयम वला हुम युनसरून। फरमाया क़यामत के दिन कोई मौला मौला के काम नहीं आएगा। अल्लाह है यौमा ला योगनी मौला अम मौला, कोई मौला किसी मवाली किसी नौकर के काम नहीं आएगा। मलाम युनसरून और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। इल्ला है पिछले माले वालों, हाँ बस इतना ही तो काम करना होता है, कौन सा मैंने तुमसे वीजा लगवाने को कहा है, है? इल्ला मर रहम अल्लाह, मगर जिन पे अल्लाह रहमत कर चुका उनका मौला काम आएगा। अल्लाह अल्लाह समझ में आई बात है। कोई मौला किसी मवाली का काम नहीं आएगा, ना ही उसकी मदद होगी, लेकिन जिन पे अल्लाह रहमत करेगा नहीं, रहमा माजी का सिगा है, जिन पे कर चुका उनका मौला काम भी आएगा, उनका मौला मदद भी करेगा। अल्लाह अकबर, सर उठाते, मैंने सफर भी किया है, मजलिस भी पढ़ के आ रहा हूं, लेकिन मुझे देख लो कहीं कोई थकन के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, वसूल करने में बुखल नहीं करना। बस मैंने इसके बाद आमिर अमजद तलाश शुरू की इंतखाब, मेरी रूह ने उड़ना शुरू किया। एक ऐसी महफिल से गुजर हुआ जहां नूर की बरसात थी, मशीयत का शायद साहिबान लगा हुआ था, फरिश्ते उस महफिल की चार दीवारी से परों को मस कर करके बरकत हासिल कर रहे थे। मिंबर पे शक्ल आदम की थी, लेकिन कोई ऐसा जीविकार था, खुदा था नहीं वो मगर लगता था। मैं कह गया पता नहीं कौन रह गया कौन मेरे साथ। अल्लाह है खुदा, वो अल्लाह नहीं था खुदा नहीं था मगर लगता था। जबान में दो दो जौहर, मैं यार कहे जा रहा हूं खुदा के लिए संभलो खरीदो। जबान में दो दो जौहर, किबरियाई का जौहर अलग, रिसालत की चूसी हुई जबान का जौहर अलग। अल्लाह अल्लाह जो 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 है अल्लाह अकबर। किबरियाई पैकरों से, फौकुल खल्क तेवरों से, तकदीर की आंखों में आंखें डालकर वो खतीबे अजल क़यामत की दहशत नाकियों की बात कर रहा था कि जहन्नम के शोले 500 साल के रास्ते से, यानी अभी 500 साल की राह बंदा दूर होगा, और अली फरमा रहा है जहन्नम के शोले लपक लेंगे उचक लेंगे। मजमा घबराने लगा तुम्हारी तरह, फरमाया घबराते क्यों, इन्नी आकिफो बैनल जन्नत वन्नार, मैं अली जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, और जाए सुल्तान तेजी से मखलूक गुजर रही होगी,
अब जाहिर है इस वक्त भी 7 अरब के करीब इंसान बसते हैं जमीन पर। आदम से लेकर आज तक का हिसाब गिनो, कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, और अभी कयामत तक पता नहीं कितने, और सब ने आना है, और कयामत में तो चींटी से लेकर हाथी तक सब ने आना है। वाइजल वहूश हो शरत, कुरान कह रहा है, हाँ वहूश भी मशहूर किए जाएंगे। बोलो जुमला, पिछले मोहल्ले वालों ठीक हो या आ जाऊं? अच्छा तो फिर जुमला देखो, तुम क्या समझते हो कि अली की विलायत का हिसाब सिर्फ तुमसे लिया जाएगा? मैं कह गया अल्लाह अल्लाह। नहीं नहीं, आखिर वदेरी बच्चे कोई वजह तो थी ना कि जब कायनात का अनोखा मिंबर सजा, वैसा मिंबर ना पहले, चलो बाद में ही कोई नकल कर लेता। अल्लाह जाने कौन सा तलेसुम फोंक दिया मेरे रसूल ने कि फिर किसी को पालानों का मिंबर से जाने की तौफीक ही ना हुई। हैं, कायनात का अनोखा मिंबर। और मौलवी साहबान भी बादशाह लोग होते हैं, अमजद पूछा भाई ये पालानों का मिंबर क्यों था? हैं, इतना ही पता नहीं तुम्हें? मदीना दूर था 2 मंजिल, ऐलान जल्दी कराना था, मिंबर आने में 2 दिन लग जाते। सुभान अल्लाह, क्या मारिफत है तुम्हें रसूल की। हैं, सुलेमान बिन दाऊद मेरे नबी के पसीने के एक कतरे का नाम है। चले तो नहीं गए हो? हैं, ऐसे ही है ना, मेरे रसूल के पसीने का सिकंदर खान एक कतरा है सुलेमान, वो खुद भी नहीं, उसका वजीर। आधी आंख की झपक में मुल्क सभा से तख्ते बिलकीस ला सकता है? और मोहम्मद वो है जिसके हाथ पे यदुल्लाह बैत करे। अल्लाह अल्लाह, जो 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 अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं, ऐसा ही है ना, यदुल्लाह ने बैत नहीं। पढ़ लो तफासीर अहले बैत को, पढ़ो बैत शजरा, बैत रिजवान। बैत रिजवान इसलिए कि अल्लाह इस बैत से राजी हुआ, और बैत शजरा इसलिए कि दरख्त के नीचे हुई। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका तहता शजरत इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है जिन लोगों ने दरख्त के नीचे तेरी बैत की, उन्होंने तेरी नहीं की, अल्लाह की बैत की। अल्लाह जो अल्लाह है, तेरी बैत नहीं, अल्लाह की बैत। और सार उठाओ, अब बैत ऐसी होती है ना, एक हाथ फैलता है क्योंकि खां, फिर बिला तशबीह ऊपर हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ। वहां भी ऐसे था, हसनैन के पाक नाना ने हाथ फैलाया, सहाबा किराम ने हाथ रखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 टीला बन गया हाथों का। उम्मीद है खरीदार है, मेरे सामने देख रहा, किब्रियाई का बदन आखिर में उठा। जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हैं, हाँ हाँ, अभी समझ नहीं आई, शाह नजफ उठा, अभी समझ नहीं आई, शाह बतूल उठा, अभी समझ नहीं आई, हर हलाली का मौला उठा। जो 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 हैं, अब जरा मंजर जो मंजर जेरे नजर रहे, नीचे रसूल का हाथ, ऊपर साहबा कराम के हाथ, आखिर में अली ने हाथ रखा।
हाथ का रखना था, बेहाथ की जात को मंजर ऐसा पसंद आया, फौरन आयत आ गई, यदुल्लाह फौका एदीहिम, जो हाथ सबसे ऊपर है यही तो अल्लाह का हाथ है। इरादे हाँ खुरम बेटे आज तेरी ड्यूटी उधर है, उस मोहल्ले को जगाना है, सर उठाना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यदुल्लाह जिसकी बैत करे, हाय हाय हैं, यदुल्लाह जिसकी बैत करे उसी को तो मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। तो इसके हाथ और इशारे में क्या ताकत होती, ये वही उंगली नहीं जो जमीन पे बैठे बैठे यूं करे और लाखों मीलों पे खड़े हुए चांद का कलेजा कट जाए। वो अपना मिंबर नहीं मंगा सकता था मदीने से, अल्लाह ने कहा था पीर बहादुर सुल्तान मेरे हबीब वो मिंबर नहीं मंगाना, क्यों मालिक, तूने नमाज उसी मिंबर से बताई है, रोजा उसी मिंबर से बताया है, हज उसी मिंबर से बताई है, कुरान इसी मिंबर से पहुंचाया है। आज अगर मन को तो मौला उसी मिंबर पे कहोगे तो लोग समझेंगे अली की विलायत उतनी जरूरी है जितनी नमाज। अल्लाह 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 जो जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, इसलिए कायनात से अनोखा मेंबर बना, क्योंकि आज फर्ज भी अनोखा है, हैं? आज वो फर्ज पहुंचाना है जिसके बिना हर फर्ज मर्ज है। हैं? और हर फर्ज अपनी सूरत बदलता है, ये हर सूरत में कर्ज है। नहीं नहीं अच्छा ऐसा नहीं, चलो चलो इस बच्चे पे नमाज वाजिब है, रोजा अली की विलायत है। अच्छा जो दूर से आए हो आज जंग सुनने, फिर बेटे तुम लैया से आए, यहां नमाज पूरी तो नहीं पढ़ोगे ना, आधी हो गई, तो क्या अली की विलायत आधी उधर रख के आए हो? अल्लाह 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 अकबर, समझ में आ रही बात? हाँ, और वहां अब देखें, मैं आज तक इंतखाब चक्कर में हूं, वैसे तो मैंने इसे सजा दी थी कि आज मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक रात की छुट्टी लेके गया था, दूसरी रात भी डंडी मार गया, मगर फिर मैंने कहा जो बेचारे इतने आएंगे उनका तो कसूर कोई नहीं है। हाँ जीते रहो। हैरत ये है, अब देखें रोजाना यहाँ मजलिस का ऐलान होता है, मेरे बाद फलां दिन मजलिस होगी, फलां पढ़ेगा, ऐलान करने वाला छोटा होता है, जिसका ऐलान वो बड़ा होता है। बैठे हो चले गए हो, अल्लाह ऐसे है ना, इधर वालो, ऐलान करने वाला छोटा, जिसका ऐलान वो बड़ा। या अली तेरी जात में जादू क्या है, तेरी विलायत का ऐलान भी तुझसे बड़ा कर रहा है। अल्लाह
अल्लाह। हाँ, और ये वो मौला है जिसके मौला होने की सनद कायनात के सबसे बड़े मौला ने दी। हैं? हाँ, अब जरा जागना, जाग रहे हो? वैसे अगर कोई नहीं जाग रहा तो वो जाग जाए, क्योंकि ये ऐलान उसने किया खिज़्र खान जो खुद आलमीन की रहमत है। तो अल्लाह ने कहा जिसके मौला होने का ऐलान आलमीन की रहमत कर रही है, मैं भी वादा करता हूं उससे मौला मानने वालों। हाँ, हाँ। हैं? और सिर्फ जबानी कलामी नहीं, कुरान में सनद दे दूंगा। यौमला योनी मौला अम मौला शयम वला हूँ यंसरू इल्ला मर रहम अल्लाह। किसी का मौला किसी मवाली के काम नहीं आएगा, मगर जिन पे अल्लाह रहमत कर चुका उनका मौला काम भी आएगा। हाय 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 अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद रजा हिंदी, बहुत बड़ा नाम है, उनका एक कसीदा है जिसका नाम है कसीदा कौसरिया। हाँ, आज मैं भी कसीदा पढ़ने लगा हूँ, मगर शोर शोर में नहीं, ना ही कोई सोजी वोजी है मेरे साथ। और कसीदा भी उर्दू पंजाबी सराइकी में नहीं है, अरबी में है। और उसका नाम कौसरिया क्यों है भला? अल्लाह अकबर, जरा सर उठाना। चूंकि आगाज में शाह नजफ से खिताब करके उन्होंने कहा, और मुझे जाते वाजी के मिंबर पे कर रहा हूँ, इल्मी जमाना से कह रहा हूँ, पसंद के आलम से जाके पूछ लेना, मेरी बात पे भरोसा ना हो तो पूछना किसी आलम से, मजमाबाजों से नहीं। अल्लाह हैं, क्योंकि शाह नजफ को यानी उलमाए इराक में ये कसीदा इतना मकबूल है, इतना कोई तावीज भी मकबूल नहीं होता। हाँ, इसका नाम ही उनमें मशहूर है, कसीदा कौसरिया खालिदा, हमेशा रहने वाला कसीदा है। बैठे जो चले गए, क्योंकि शाह नजफ को खिताब करके उन्होंने आगाज में कही है, नूरो सिगरे का अम जौहर रिजाब लुआब काम का सर, कद काला सिगरे का साने हो इन्ना आते ना कल का सर। है? वो कहता है ये तेरी मुस्कराहट है या नूर की तजल्ली है? वो कहता है ये तेरा लुआब है या मशीयत का जौहर है? कहते हैं तेरे दुरे दंदान बनाकर, तेरे दांत बनाकर ही तो वो बोला था कि इन्ना आता है ना कल का उसका। अल्लाह 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 अल्लाह, जो 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 सर उठाना। उनके
दो तीन शेर सुना दूं तुम्हें। कहते या मन कद अन कर बिल आओ याओ ते अभी हसन इन मौलाओ युन कर इन कुंतले जहले का बिल अयाओ में जहद था मकाम अभी शब्बर फस अल बदरन औसल उहदन वसल अहजाब वसल खैबर मन दब्बर फीह अल अमर व मन अर्द अल अबताल व मन दम्मर मन हद हुसून शिकर शिर्क व मन शाद अल इस्लाम व मन अमर कासू का अबा हसन बे सिवा का व हल बितौदे युकासो जर अन्ना सावू का बेमन नावू का व हल सावाओ नाले कंबर। असल में पढ़ना मुझे यही शेर था जो मैंने आखिर में पढ़ा और इसी की वजह से सात शेर पढ़ दिए मैंने। थक गए हो? हाँ, जब मैं मौज में आया करूं तो फिर मेरे साथ मौज में आ जाया करो। हाँ, उसमें फिर थकन का तुम्हें भी एहसास नहीं होगा। अली के मुनकर से खिताब करके कह रहे हैं या मद मन कद अन कर बिल आओ याते अभी हसन इन माला युनकर। कहते हो अली के उन मोजजात का इनकार करने वाले जिनका इनकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहते इन कुंतले जहले का बिल अय्याम जहद था मकाम अभी शब्बर। कहते अगर तू अय्याम की तारीख से जाहिल है और इसी वजह से शब्बर यानी हसन के बाबा के फजाइल का इनकार करता है, कहते आज तुझे आसान मशवरा देता हूँ, फसअल बदरन औसल ओहदन वसल अहजाब वसल खैबर। कहते जरा बदर से सवाल कर, जरा ओहद से पूछ, जरा अहजाब से सवाल कर, जरा खैबर से पूछ। मन दब्बर फीह अल-अम्र व मन अर्दल अबताल व मन दम्मर इन सारे मैदानों से पूछ के कुफर के बड़े बड़े शाह सवारों को खाक किसने चटाई। अल्लाह अल्लाह। मन हद्दा मन हद्दा हुसून शिर्क व मन शाद अल इस्लाम व मन अमर। कहते जरा पूछ तो सही कि शिर्क के कले एक उंगली से किसने लर्जाए। और मैं गजनफर हाशमी मिंबरे शब्बीर की जमानत दे के कह रहा हूं तुम्हें सुनाने वाले सही सुनाते ही नहीं। वो ये कहते हैं कि अली ने इस हाथ की उंगली डाली थी खैबर में, मुझे बतूल की चादर तत्हीर की कसम, अली ने हमेशा इस हाथ में तस्बीह रखी है, ये उंगली डाली थी। अल्लाह 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 अल्लाह। जो 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 बाएं हाथ की उंगली से। और लोगों ने जब ताज्जुब करके पूछा था यारी इतना वजनी दरवाजा और लाखों मन की चट्टान की पथरीली दीवारें तूने यूं हिलाई जैसे आंधी में दरख्त का पत्ता हिले, इतनी ताकत आई कहां से। हसनैन के बाबा ने मुस्कुरा के फरमाया क्या करूं, कुन तो खमीसन मुझ सलासत आई, हम तीन दिन से मैंने अभी खाया कुछ नहीं था। अल्लाह जो 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 आखिरी माले वालों ठीक हो जो।
जिसके फाके का जोर ये है। हाँ अल्लाह अकबर। फिर अली से खिताब करके कहता है कि मौला मैं लोगों पे हैरान हूं कि तेरा कियास बंदों से करते हैं। कासू का मर्जी के आलम से तर्जमा करना, कासू का अबा हसन बेसिवा का वहल बितौदे युकासु जर, कहते तेरा कियास लोगों के साथ, कभी जर्रे का कियास पहाड़ से भी हुआ। अल्लाह अल्लाह, थक गए हो तो बस काफी है, हैं? और अब मैं देखता हूं कि मेरी मेहनत अब तक कितना रंग लाई। पहले खमसे पड़े, फिर अरसा हो गया, अशरा शुरू, उसके अलावा जश्न मजालिस, फल भी तो चाहिए ना मुझे, चख के तो देखूं कड़वा है कि मीठा है, कहीं आम के दरख्त पे कौड़तुम्मा तो नहीं लग गया। हाँ, ये तो देखना हक है अमजद मेरा। सार उठाना, कहते हैं अन्ना सावू का बेमन नावू का वहल सावो नाले कंपर। मौला तेरा मुकाबला आम लोगों से, क्या ये लोग तेरे कंबर की जूतियों के बराबर भी हैं? अल्लाह अल्लाह है हल सावाओ नाले कंबर, तेरे कंबर की दो जूतियों के बराबर नहीं है। हम जिसके कंबर के जूतों की बराबरी नहीं करते, मैंने उसी कंबर को अली के फजाइल के सहन में शशदर खड़ा देखा है। पले पड़े ये बात जो सर से गुजर रही है, अल्लाह अकबर। हाँ, और अच्छा हल सावाओ नाले कंबर, क्या तेरे कंबर की नालायन की बराबरी? चलो, यह तो एक आलिम का कसीदा था जिसके अशार मैंने सुनाए। निजामुद्दीन औलिया, उनका पीर नादर सुल्तान मशहूर आलम कसीदा है निजामुद्दीन औलिया का, सारा मैं नहीं पढ़ना चाहता, इतना वक्त ही नहीं है। जो शुरू यहां से होता है, इमामत रा कसे शायद के शाहे औलिया बाशद। वो कहते हैं इमामत का हकदार वो है जो वलियों का शहनशाह हो। इमामत रा कसे शायद
कि शाह औलिया बाशद बज़ुहद इस्मत दानिश मिसाल अम्बिया बाशद। एक एक शेरजाद साहब बिनादसान पढ़े बगैर मैं असल चाह नहीं रह सकता। सर उठाना हलाल जादो, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, उनका कलाम ना हो मेरी सजा मौत, तर्जमे में डंडी साबित हो जाए, शहरक कटवाऊं, वरना फिर फैसला हलाल जादों की तरह करना है। वो कहते हैं इमामत राकसे शायद के दादोरा नबी दुख्तर, वो कहते हैं इमामत हक उसका है जिसे नबी बेटी दे। अल्लाह 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 अल्लाह। इमामत रा कसे शायद के दाद और नबी दुख्तर, खुदा हम दुल दुलो खंजर के ता खैबर कुशा बाशद। वो कहते हैं नबी बेटी दे, अल्लाह तलवार भी दे सवारी भी दे। हाय 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 हैं कि ता खैबर कुशा बाशद ताकि वो खैबर शिकन कहलाए। हैं अच्छा यकीनन जाग ही रहे और खरीद भी रहे हो, सर उठाना। आगे निजामुद्दीन अल्लाह फरमाते हैं इमामत रा कसे शायद के बाशद हम सारे जहरा। इमामत राकसे शायद के बाशद हम सारे जहरा, चुना रिफात के मैं भी नहीं बजुज है दर करा बाशद। वो कहता है इमामत का हकदार वो है जो जहरा की बराबरी करे। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। है वो कहते हैं ये बुलंदी ये रफत जो तू देख रहा है सिवाय हैदर के किसी में नजर आती है, और शेर तो असल में जंग वाला तुम्हें ये सुनाना था। आखिर में फरमाते हैं निजामुद्दीन हया दौरत आये जागना इधर वालो, निजामुद्दीन हया दौरत के गोयद बंदाए शाहम। वो कहते हैं अगर मैं अली का बंदा कहलवाऊं मुझे हया आती है शर्म आती है, वलेकिन कंबरे ओरा कमीना या गदा बाशद, मैं तो अली के कंबर का एक कमीना गदागर हूं। अल्लाह अल्लाह जो हैं वलेकिन कंबरे ओरा कमीना यगदा बाशद। हाँ तो अब जो कंबर का मौला होगा हैं? रात तुम नहीं थे, खुतबा तो मैंने पढ़ दिया था पूरा जनाब कंबर का, लेकिन तर्जमा बहुत थोड़े जुमलों का हुआ था, दो तीन का आज कर दूं। अल्लाह अकबर। कंबर पीना दो सुल्तान हज्जाज के दरबार में तारफ करा रहे हैं मैं किसका नौकर हूं। हाँ कहते आना मौला सिराजुल मौज़ीन वज़ौल क़ायमीन, कहते हैं उसका नौकर हूं मैं जितनी हुज्जतें गुजर चुकी जो सबका चराग है। अल्लाह अकबर जी 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 हैं। मैं भी सोचता था इंतखाब अमजद खिदर खान आमिर के अब्बास कमर बनी हाशिम है, इसके बाबा को क्या होना चाहिए। हैं
तो जितनी हुज्जतें गुजर गई सबके चिराग का नाम अली है। वज़ौइल क़ाइमीन, और क़याम करने वालों का सूरज है, चूंकि ज़िया सूरज को कहा है कुरान ने, जाल शम्स दियान वल क़मर नूरन। और सर उठाना, थक तो नहीं गए ना। वलिशान रसूल रब्बिल आलमीन, जो आलमीन के रब के रसूल की रबान है। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर है, आलमीन के रब के रसूल की जबान। वैसे गदीरी कितने दोहरे दोहरे हिस्से हैं शहनशाह के पास, हैं? पूरी कायनात में पीरबाज सुल्तान दो ही बड़े हैं इससे, एक मुस्तफा एक किबरिया, हैं? दो बड़े हैं। मैं तो पढ़ना शुरू अब करने लगा हूं। कुछ परेशान भी हो गए, घबराना नहीं। हाँ, सर उठाना। दो बड़े हैं, एक वो और एक हसनैन का नाना, और पीनाद हसन प्यारा असद शाह दोनों का है ये। और प्यारा इतना है कि दोनों के दरमियान खींचातानी होती रहती है, ये वे कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। बैठे हो, चले गए हो इधर पिछले माले वाले, हैं? अब पता नहीं इसकी जात में जादू क्या है, ये कहता है मेरा वसी है, वो कहता है मेरा वली है। ये कहता है मेरा दामाद है, वो कहता है मेरा खानाजाद है। अल्लाह अकबर, सर उठाना। अभी पता चलेगा जंगल में गजनफर खिताब कर रहा है या आबादी में। ये कहता है मेरा दामाद है, वो कहता है मेरा खानाजाद है, ये कहता है मेरा खलीफा है, वो कहता है मेरा नायब है, ये कहता है अनफुसना व अनफुसकुम मुझ जैसा है, वो कहता है युहज़िरकुमुल्लाहु नफ्सहु मुझ जैसा है। और यार एक कैमरे की लाइट बंद नहीं हो सकती, एक से ही काम चला लो। हाँ, दोनों का प्यारा है, दोनों के दरमियान खींच, वो कहता है लिसानुल्लाह है, वो कहता है मेरी जबान है, रसूल कहता है मेरी जबान है, और यही कंबर कह रहा है लिसान रसूल रब्बिल आलमीन, जो रसूल की जबान है मैं उसका नौकर हूं। सर उठाना। आगे कंबर कह रहा है, और हज्जाज जैसे जालिम के दरबार में खड़ा कह रहा है, मवालियों में बैठकर अली के फजाइल पढ़ के वाह वाह कराना और बात है, हज्जाज की तलवार के नीचे अली अली करना। हैं? मुफ्त में तो निजामुद्दीन औलिया जैसे इसके गदागर नहीं बन गए ना कंबर के। हाँ, चूंकि ये तो शहनशाह खुद फरमाते हैं, लो अहब बनी जबल लतहाफता, अरे कहते हैं अगर पहाड़ भी मुझसे मोहब्बत करे से उससे फटना पड़ेगा। जो जो हाँ, अली की विलायत, अली की मोहब्बत, कुर्बानी तो मांगती है। सर उठाना।
कंबर कह रहा है वह औलल मोमिनीन मिन औल यासीन। अरे यासीन जानते हो? यासीन कौन है? शादबाश और आले यासीन आले रसूल। तो कंबर कह रहे औलल मोमिनीन मिन आले यासीन, पूरी आले यासीन में से जो मोमिनीन की जान का सबसे ज्यादा मालिक है उसका नौकर हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चले तो नहीं गए हो? और गदीरी इन जुमलों पे गौर करना। आगे कंबर कह रहा है अल मुवय्यद बे जिब्राईल अल अमीन वल मुवय्यद बे मीकाईल अल मतीन वल महमूद इंद अहल السماوات अजमईन। पीर वाला सुल्तान, अगर तो मजमे ने इस तीसरे जुमले को खरीदा भी, बर्दाश्त भी किया, उल्टियां शुल्टियां न लगी हैं, तो खुदा की कसम मैं सबको मुबारक दूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा और सबको सनद दूंगा कि तुम्हारे दिल में सिर्फ अली रहता है, काबाए दिल में शक के बुत नहीं रहते। जो हाँ, लेकिन अभी नहीं दे रहा, जुमले के तर्जमे के बाद, जो तीन जुमले बोले थे ना उसमें जो तीसरा है उसके तर्जमे के बाद सर उठाना। कहते मैं उसका नौकर हूं, जब वो लड़ने जाता था मीकाईल जिब्राईल, एक उसके बाएं चलता था एक उसके दाएं चलता था। ठहरो ठहरो ठहरो, एक जंग में अमजद माल गनीमत तकसीम होने लगा, सरकार ने सबको एक एक हिस्सा दिया, अली बादशाह को तीन, अच्छा बात है आपस की अपनी है ना, और तो कोई बैठा ही नहीं, बताऊंगा किसी को नहीं, पक्की बात, थक गए हो ना। अच्छा मन की मुराद पाएगा। सुपर पावर नारा। बात पूरी किया करो ना, कि जो तुमने कहा ना, जो भी लगाएगा, मैं देखने लग गया पता पौधा लगाएगा, जो भी नारा लगाएगा, यूं कहना था ना। हाँ सर उठाओ, अली को कितने हिस्से? जो नहीं बोले हो तीन। अच्छा बोलने की आदत सीख लो अली की मजलिस में, खुदा की कसम यहां का बोला कल कब्र में बड़ा काम आएगा। हाँ क्योंकि नहीं, ये भी इल्मी जमानत है, जब जाओगे ना, जो भी मवाली जाता है जिसके दिल में है, जब वो कब्र में जाता है बादशाह की कुर्सी लग जाती है, फिर नकीरें आ जाते हैं, अल्लाह के पुर जलाल फरिश्ते हैं, हाथों में आदशीन गुर्ज होते हैं, बड़े रोब दबदबे से टहके से आते हैं, और आते ही रोब झाड़ के कहते हैं उठे मन रब, कौन है तेरा रब? शहनशाह पहले बोलता है, ओ आराम से आराम से, अभी बेचारा मौत का प्याला पी के आया, अभी बताएगा अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी। अल्लाह 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 जो जो अल्लाह अल्लाह। ठीक है ये माल्ला मुगीस खुरम, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा सवाल कौन सा? शादबाश मन नबी, कौन है तेरा नबी? फिर अली कहेगा अभी मैंने तुम्हें कहा आराम से सवाल करो, आते ही बेचारे को झिड़कियां शुरू कर दिया, अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से बिछड़ के आ रहा है, ऊपर तुम्हारा रोब, अभी बताएगा मोहम्मद नबी।
सर उठाना पिछले मोहल्ले वालों, फिर वो पूछेंगे नहीं, इमामत का सवाल अभी बाद में है। हाँ हाँ, मन किताबों का फिर अली बादशाह कहेंगे, यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ जरा उस बेचारे को दम तो लेने दो, अभी कहेगा अल कुरान और किताबी। माँ किबला तो का फिर अली बादशाह जो अभी कहेगा अल काबा तो किबला थी। आखिर में फरिश्ते पूछेंगे मन इमाम अली चुप, जो 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 समझ आ रही बात है। रब कौन अली बताएगा, नबी कौन अली बताएगा, किताब कौन सी अली बताएगा, किबला क्या अली बताएगा, जब पूछेंगे इमाम कौन है अली चुप, फिर आज का बोला काम आएगा। जो 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 अल्लाह 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 अकबर। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, और इस पे तहकीकात हुई और बड़ी लंबी चौड़ी हुई कि आखिर वजह क्या है। अल्लाह बता देगा, मोहम्मद बता देगा, कुरान बता देगा, इस्लाम किबला सब कुछ बता देगा। जब इमामत का सवाल आएगा चुप, अली बादशाह कहता है जिसकी मैंने मां के शिकम से लेकर कब्र के शिकम तक मुश्किल कुशाई की, इतना तो हक है देखो तो सही मुझे पहचानता भी है या नहीं। अल्लाह 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 जो 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 अल्लाह। अब जाहिर है वहां इमाम के लिए किसका नाम लोगे, किसका नाम लोगे, तो वहां भी अली मौला वही कहेगा जो यहां कहता है अली मौला। अल्लाह अल्लाह अच्छा बात कहाँ थी भला, तीन ही से भूल गए थक गए सबको एक एक हिस्सा अली को तीन ही से। अपीर नादर सुल्तान जायद सुल्तान पता नहीं वो क्या कलेजा रखते थे लोग, भाई अब्बा के सामने बंदा नहीं बोल सकता जो रसूल पे भी एतराज करने से बाद नहीं आते थे। हाँ यार सुल्ला ये क्या अरे है अकेला इसे तीन सही फह रहमत पे सुर्खी जलालत आई, फरमा नशुद तो कुम बिल्ला तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं हल राय तुम फारसन अला फरसन अब यज, तुमने मैदान जंग में एक सफेद घोड़े सवार देखा था जिसने नकाब ली हुई थी? हाँ सरकार देखा था, बड़े बड़बड़ के हमले कर रहा था। कहा जब वो सब से निकला मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा या रसूलुल्लाह इन्नाली सहमन वहब तो ले अली इब्ने अबी तालिब, सरकार मेरा भी हिस्सा है गनीमत में, मैंने अली को दिया। वो नशुद तो कौन बिल्ला है तुम्हें फिर अल्लाह की कसम देता हूँ हल राय तुम फारसन का नाला फारसन आदम, अल्लाह की कसम खा के बताओ वो तुम्हें याद है जो बिल्कुल काले सिया भंवरे रंग के घोड़े पे सवार था? सरकार हाँ देखा तो है, उसने भी नकाब ली हुई थी। हाँ सरकार बड़े बड़े हमले कर रहा था। कहा सबसे निकल के मेरे पास आया, कहने लगा या रसूलल्लाह इन्ना ली सहमन वकद वहबतहू ले अलीन, सरकार मेरा भी हिस्सा है माले गनीमत में, मैंने अली को दिया। अच्छा
फरमाया वो सफेद घोड़े वाला जिब्रील था, काले वाला मिकाइल था। अल्लाह अल्लाह बैठ गए, चले गए हो सफेद। हाँ बच्चे बस यही काम करना है, सफेद घोड़े वाला जिब्राइल और काले घोड़े वाला मिकाइल, वो थकाना नहीं तुम्हें, तो यही कुछ कंबर कह रहा है, मैं उसका नौकर हूं। जैसे दाएं जिब्रील चलता था, बाएं मिकाइल चलता था, और आप शरीयत में बहाना भी माना जाता है, अगर थोड़ी सी तबीयत खराब हो उसी का बहाना बना के उठ जाए, अगर कोई ऐसा है तो। वरना मैं तीसरे जुमले का तर्जमा करने चला हूं। फिर नादर सुल्तान कहा था ना मैंने कि अगर इसका भी इन्होंने तर्जमा बर्दाश्त कर लिया, खरीद लिया, तो मैं पेशगी मुबारक दूंगा, जाना है मैं मुंह इधर कर लेता हूं। कोई नहीं गया, इसका मतलब है सारे खरीदार हैं, पक्की बात। जो जो खरीदने को तैयार है जरा हाथ उठाए। लेकिन याद रहे ये शाह नजफ के मैदान में हाथ उठे हैं, गदीर में नहीं उठे। बैठे हो चले गए हो, हाँ ये शाह नजफ की बारगाह के उठे हुए हाथ हैं, अब भागने नहीं दूंगा। कंबर कह रहा है वल महमूद इंदाहल समावात अजमाइन, मैं उसका नौकर हूं कि सातों आसमानों के फरिश्ते जिसकी हम्द और सना करते हैं। और फिर दूसरे ने भी जला ली, बंद कर। हाँ हाँ आंखों में चुपा लो दिया, वरना कल ये कैमरा भी नहीं लगने दूंगा। सर उठाओ, पले पड़ गई बात, मुबारक हो, तुम्हारी अम्मा जिंदा है तो आबाद रहे, चली गई है तो दराजात बुलंद हो। सर उठाना, और अगर देखो शैतान बड़ा लानती है, और तुम्हारे मौला सादिक का फरमान मैंने पढ़ा है, अपने हुबदारों से कह रहे थे अल्लाह अल्लाह लकुम फी इबलीस इन्नहु युआक्बकुम, अल्लाह तुम्हें बचाए, अल्लाह तुम्हें बचाए, शैतान से तुम्हारे पीछे है। वो हैरान होकर कहते मौला हमने उस मलून का क्या बिगाड़ा, बाकी दुनिया थोड़ी है, हमारे पीछे क्यों है। फरमा अम्मल बाकूना का तो फारिग है, मैं बाकियों को तो अली से फेर के फारिग हो चुका। हाँ? तो इसलिए शैतान
यवसवसु फी सुदूर नास, इसका काम ही वसवासा डालना है। तो हो सकता है मैं मिंबर छोड़ूं और वो मलून वसवासा शुरू कर दे तुम्हारे दिलों में। हैं ये कैसे है? फरिश्ते हमदो सना करते हैं, हमदो सना तो अल्लाह की होती है, यही वसवासा डालेगा ना। आओ, इस अली के मौला का नाम क्या है? अली के मौला का नाम मोहम्मद। मोहम्मद के मानी क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा हमद की जाए, उसकी अल्लाह हमद करे, इसकी फरिश्ते करें तुझे बारे में। अल्लाह अल्लाह जो 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 अल्लाह है देखो मेरे भाई, तेरी मेरी हमद क्या, फरिश्तों की। अच्छा, फरिश्तों का सरदार का नाम क्या है? ये वही जिब्रील नहीं? सिकंदर खान असल जा पिनादान, जिस दिन ये खल्क हुआ तो अल्लाह ने इससे पूछा, मना अना व मन अनता, अरे पैदा होने वाले बताओ मैं कौन हूं तू कौन है? तहैया रफी जवाब हैरान हो गया, कहते अना अना वानता अनता, मैं हूं तू तू है। तो शाह नजफ का नूर आलम अनवार में पर्दा हटा के बाहर आया, कहा अजीम बारगाह में तू तू मैं है? तो क्या कहूं, कुल्फी जवाब ही, अंत रब्बी अल जलील व इस्मक अल जमील व अना अब्दुक अल जलील व इस्मे जिब्राइल। के तू मेरा रब जलील है, तेरा नाम जलील है, मैं तेरा अब्द जलील हूं, मेरा नाम जिब्रील है। खुदा की कसम, उसी वक्त से जंग के शिया सुन्नी दोस्तों हिजाब अकबर लहराया, जाली तेरे तर्ज तालीम के क्या कहने। तूने आज तौहीद का पहला सबक जिब्रील को पढ़ा के उसे मेरे सामने जलील बनाया। अगर इसी जिब्रील को तेरे दरवाजे पे रोटियों की भीख मंगवा के जलील न बनाऊं। अल्लाह अल्लाह ठीक है। तो जिब्रील को पता नहीं, अगर ये ना बताएं कि अल्लाह क्या है तो फिर हम क्या बेचते हैं? तेरी मेरी तस्बीह है क्या? तेरी मेरी हमद है क्या? तेरी मेरी सना है क्या? तेरे मेरे सजदे हैं क्या? सारी कायनात के सजदे जाते हैं शाह नजफ की बारगाह में। ये उसकी करीमी है कि वो एक सजदा खालिस करके हमारे नाखालिस सजदों को उन्हीं में शामिल कर देता है। चूंकि प्यारे के सजदे में शामिल होते हैं उसे कबूल भी करना पड़ते हैं। अल्लाह 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 की शान यही है जंग वालों के मोहम्मद वाले मोहम्मद उसकी हमदो सना करें। तेरी मेरी हमदो सना क्या है? इसीलिए तो वो कुरान में, जब बेदिल अपने दिल में इनका प्यार महसूस करता है तो फिर कहता ही है इजकाला रब्बो का, याद कर जब तेरा रब कह रहा था है? अपने आप को इनका रब कहलवा के अपनी किबरियाई साबित करता है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? जो खुश रहो आबाद रहो
मौला आप सब की इबादत कबूल फरमाए। मैं ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। खून रोने वाला तुम में है, मजलिस की मालिका पर्दादारों में है। मर्द आजादार मुझसे सुने, फुरसा सज्जाद को दें। मेरी माएँ बहनें बेटियां सुने मुझसे, फुरसा शाम की मुसाफरा को दें। बात फिर वही है, फजाइल नित नए सुनाए हैं तुम्हें, रोज नए मौजू नए उनवान, क्योंकि वह शाह नजफ का अतिया है मुझ पर। लेकिन मसाइब वही हैं जो सदियों से सुनते हो, बस मैं याद दिहानी कराऊंगा। जो मुकद्दर है आँख का उतना वजू करा लेना। कितना बड़ा मजलूम है हुसैन जंग वालों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर मजलूम, हर मकतूल, हर शहीद को रोया जाता है उसके मरने के बाद। और ये तो वो मजलूम है, आदम से इसकी अदादारी शुरू हुई। अल्लाह अकबर हैं। और आज तक जमाना रो रहा है, है? भाई यूं समझ लो, जर्रे से अर्श तक हर शय रोती है हुसैन पर। अब कहना यह है तुम्हें हर अजादार से कि जो खुद इतना बड़ा मजलूम है, जिसे खुदाई रोए, जिसे मशीयत रोए। करबला में जंग वालों छह मकाम ऐसे आए हैं, यही हुसैन धाड़े मार के रोया। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने हाथ जोड़े थे, जी 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 अजादार मालक। मैंने कोई इनकार किया? मैंने कहा छह मौकों पर धाड़े मार के रोया हुसैन। यार हुसैन का धाड़े मारना मजाक है कोई? हाँ, एक याद दिहानी, अपनी नजात की सनद लो और जाओ। शब आशूर है, और ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब से चार साल वाली बतूल हुसैन के घर आई थी ना, हुसैन की आदत थी जब कुरान पढ़ते मासूमा आगोश में होती, बाबा की झोली में होती। सैयदो गैर सैयदो, हुसैन चंद आयतें पढ़ता, फिर सकीना का बिला तशबी सर चूमता, फिर चंद आयतें, फिर सर। शब आशूर भी बाबा की आगोश में थी, हुसैन ने तिलावत शुरू की, अलिफ लाम मीम। अल्लाह करे तेरी समझ में आ जाए मेरा जुमला। फिर रुक गए। बाज उलमा का ख्याल है, अल्लाह बेहतर जाने, कि अलिफ लाम मीम इकट्ठा हो तो ये अलम भी बनता है, और अलम के मानी है रंज गम। शायद हुसैन अलम समझ रहा था इसलिए रुका। बहरहाल ये मैंने उनका ख्याल बता दिया, अल्लाह और मौला बेहतर जाने। अलिफ लाम मीम रुका, सकीना को बोसा दिया, लेकिन आज सर पे नहीं, पहले इस कान पे दिया। पढ़ा अलिफ लाम मीम, फिर रुके, फिर झुके, फिर बिला तशबी इस कान पे बोसा। मौला तेरे तुझे इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार ऐसा हुआ, सकीना ने झोली छोड़ी। बाबा आज रविश क्यों बदल गई? हमेशा आपने सर चुमा, आज कान क्यों? ठंडी सांस लेके हुसैन ने कहा, तेरे दुर छिन जाएंगे, तेरे कान जख्मी हो जाएंगे, जख्मों की जगह चूम रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि पत्थर किसके यहां है और गोश्त का टुकड़ा कहां,
जन के सीने में पत्थर नहीं गोश्त है और नियत पुरसे की है वो मेरी तरह देखे। बाबा मेरे दौर छिन जाएंगे? हाँ कब? कल शाम। कौन छीनेगा? शिमर। यही जुमला अगर तेरी समझ में आ जाए शायद मैं आगे पढ़ूं भी ना। जब कहा ना कल छीनेंगे, शिमर छीनेगा, बड़े भोलपन से हैरान होके सकीना बाबा की आंखों में आंखें डाल के कहती है, बाबा मेरे दौर छिनते रहेंगे, मेरा अब्बास कहां होगा? मैं लफ्जी भेज सकता हूं, मेरा गाजी कहां होगा? हुसैन की हिचकी बंधी। जी जी आजादार मार्ग, जी बच्चों, जी मेरे बेटे। कहा बाबा मेरे दौर छिनते रहेंगे, मेरा गाजी कहां होगा? कहा तेरा अब्बास लंबे सफर पे जा चुका होगा। है? फिर कहा अच्छा बाबा, चाचा गाजी तो सफर पे चले जाएंगे, बाबा तुम भी मुझे नहीं छुड़ाओगे? यार मैं आजादारों से ही बयान कर रहा हूं ना। जब हुसैन से बेटी ने सवा किया, तुम भी नहीं छुड़ाओगे? अब आह निकली, रो के कहा जब तेरे दौर छिनेंगे मैं सो चुका हूंगा। बाबा कहां? हुसैन ने पर्दा हटाया खैमे का, वो टीला देख रही हो? हाँ बाबा, बस इसके पहलू में। बड़े भोल पर चका, फिर कोई फिक्र की बात नहीं बाबा, जब शिमर आएगा ना मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगी बाबा, फिर तो मुझे बचा लोगे। अब हुसैन धाड़े मार के रोया, यहां चीखे निकल गई हुसैन की। कहा मेरी मजलूमा बच्ची, बाहों में मैं ले लूंगा, आगे तेरा मुकद्दर। बस मौला के अदादारो, आ गई शाम गरीबा, शमर हरामी ने वो हद अबूर की जहां जिब्रील भी रुक जाता था। और मैं हाथ जोड़ के जुमला कहना चाहता हूं, और कमीने ने पैदल अबूर नहीं की, घोड़े समेत अबूर की। फकत अबूर नहीं की, सकीना देख रही थी, बस मैं खत्म करने लगा हूं, चादरें छिन रही हैं, जेवर उतर रहे हैं। सकीना को बाबा के जुमले याद आए, तड़प के हाथ कानों पर रखे, मख्तल की तरफ दौड़ी। शबर ने देखा कीमती चीज है बच्ची के पास, इस हरामी ने घोड़ा पीछे दौड़ाया। जंग वालों मैं तुमसे सवाल करता हूं, कुजा बच्ची की दौड़, कुजा घोड़े की रफ्तार? अभी चंद कदम लाश से दूर थी, देखा शमर करीब आ गया, सकीना तड़पी, अब बता बाबा शमर आ गया। हुसैन की लाश ने बाहें खोली, जाके हुसैन के सीने पे। अब शमर ने हया किया, हट गया। अब अगर कलेजे पे जख्म भी लग जाए तो मुझे माफ कर देना, सज्जाद तुम में, ज़ैनब तुम में, कबा ये हरामी घोड़े से उतरा, एक हाथ इधर डाला, एक हाथ इधर डाला, करबला की जमीन हिली, आसमान कांपे। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई।